ट्रेवल्स हियर फ्रॉम नैनीताल, आपका स्वागत करता है मेरे यूट्यूब चैनल सती ट्रेवल्स में। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? फिलहाल आज सुबह मॉर्निंग के 6:40 हो चुका है, तो कश्या लेक भटेलिया होते हुए खनशिव पतलोट, आपने शायद इस जगह का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक नई ट्रिप से रूबरू कराने वाला हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ। तो मैं निकल चुका हूँ अपने क्लाइंट को पिकअप करने के लिए, मुझे जाना है मुखानी चौराहे पे और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं पिकअप करके उनको निकल जाऊँगा जल्दी से। मुझे जाना है एक्चुअली खनशिव पतलोट की तरफ, और पतलोट में एक्चुअली ये जो जगह है ये ओखलकांडा ब्लॉक में आती है, और ओखलकांडा ब्लॉक जो है आपको मुक्तेश्वर, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ कि मुक्तेश्वर के नाम से आप समझ जाओगे कि उसी रास्ते से हमें जाना होगा, क्योंकि नीचे वाले रास्ते में लैंडस्लाइड हो रखा है इसलिए हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे। तो दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ, अभी मैं काठगोदाम पहुँच चुका हूँ, क्लाइंट मेरे पिकअप हो चुके हैं और ये हमारे क्लाइंट हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं। आज का ट्रिप कैसा रहने वाला है इन लोगों के साथ, मैं आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से अच्छे से रूबरू कराऊँगा, आप बने रहिएगा, देखते रहिए, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वो आज एक बहुत बड़ा मंदिर है, और खनशिव जो जगह है उस जगह में इनका एक गांव है, तो उस गांव में भी ये विजिट करेंगे, और सावन का पहला दिन है इसलिए आज थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगा, आप बने रहिए। ये दोस्तों ये जो रोड आप देख रहे हैं, रोड के आएँ बाएँ जो देख रहे हैं, क्योंकि लोग लगभग क्या है कि पहाड़ों में आएँ बाएँ बैठ करके कुछ फलों की बिक्री और सेब और ये सारी चीज़ें बेचते हैं। शायद आप कभी अगर आए होंगे धानाचोली और मुक्तेश्वर वाली रोड पे, तो आपने देखा होगा कि रोड के आएँ बाएँ लोग बैठ करके अच्छे से अपनी बिक्री करते हैं, क्योंकि इनके बगीचे हैं बड़े बड़े। और अभी फ़िलहाल हम भी धानाचोली बैंड पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं पहाड़ों का मौसम कितना अच्छा हो रखा है, कितना सुहाना मौसम है। बस पहाड़ों की एक सबसे बड़ी खूबसूरती जो है वो यही है कि यहाँ पर 12 महीने एक नया एक्साइटमेंट रहता है, और यहाँ पर आने वाले हर इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। और ये आगे हम धानाचोली बैंड, जहाँ से एक रोड ऊपर पाटी देवीधुरा को जा रही है, एक मुक्तेश्वर को जा रही है, और ये हमारी रोड जा रही है ओखलकांडा ब्लॉक के लिए, और जहाँ हमें जाना है खनशिव पतलोट के लिए। आप बने रहिए, तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ धानाचोली बैंड की पूरी तस्वीरें, यहाँ का मौसम, यहाँ का क्लाइमेट, और आप अपना ध्यान दीजिए, और अगर आप पहाड़ में आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप पहाड़ में घूमने आइए। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये सड़क कितनी खूबसूरत लग रही है, और कितना ट्रैफिक यहाँ पर है ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है दोस्तों कि इस बैंड से आप गुजर नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी यहाँ पे। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ उस गांव में जहाँ पर हमारे क्लाइंट अपने घर पे गए हैं, वो गांव है दोस्तों जहाँ पर हम आए हैं अभी, और यहाँ हमारे क्लाइंट का घर है। ये आप मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको कंटिन्यूसली दिखा रहा हूँ, ये यहाँ की ब्यूटी है, देखिए ये सामने आप देख सकते हैं ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, और ये पुराने ज़माने के बने हुए घर हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पेड़ है, ये पेड़ शायद आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इस पेड़ का नाम है तिमिल, और तिमिल का पत्ता बोला जाता है। और यहाँ पर लोगों के लिए आवागमन के लिए तक गाड़ियों की कमी रही है, अगर किसी को अगर 10 किलोमीटर के दायरे में जाना है, अगर मार्केट घूमना है तो मार्केट जाने के लिए इनके पास गाड़ी। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, मेरे क्लाइंट आ चुके हैं, अब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा नेक्स्ट ट्रिप के लिए, क्योंकि मुझे जाना है मंदिर, और ये हमारे कस्टमर हैं जो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आए थे। तो ये है ठंडा इलाका, और यहाँ पर मैं आपको वो पेड़ दिखा रहा हूँ तेज पत्ते का, आप बने रहिए मेरे साथ देखते रहिए। तो फाइनली मैं आपको दिखा रहा था तेज पत्ता, और मैं इसको तोड़ के आपको दिखाऊंगा बकायदा कि ये पत्ता कैसा होता है। ये पत्ता तो थोड़ा ख़राब हो गया है, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो नेचुरल चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं तेज पत्ता, और आप इसको बड़े गौर से देखिए दोस्तों। हाँ ये हैं हमारे पहाड़ों के खेत दोस्तों, इसको बोलते हैं माल्टा, और ये होता है हमारे पहाड़ों के ठंडे इलाकों में, इसका नाम है माल्टा, जो कि आपको पहाड़ों में देखने को मिल जाएगा। और ये है पहाड़ का आड़ू, आप आड़ू देख सकते हैं कितना छोटा सा है, लेकिन ये होता बड़ा है। एग्जैक्टली क्या है कि इसकी ब्रिज छोटी है,
इसलिए ये आपको थोड़ा सा छोटे साइज में दिख रहा है, अदरवाइज ये बड़ा भी होता है। हर पेड़ की अपनी अलग अलग क्वालिटीज होती है, और ये जो है ये एक छोटी ब्रीड वाला पेड़ है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ों से रूबरू करा रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मुझे लाइव। तो अभी लंच टाइम हो गया है, ये मेरे क्लाइंट मेरे लिए खाना बना के अपने घर से लेके आए हैं। आप देख सकते हैं आज सावन का पहला दिन है, मेरे लिए पूड़ी और आलू के गुटके आ रखे हैं, छाछ आ रखी है और अचार आ रखा है। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए सारी स्थितियाँ। क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है। पापा का नाम? ओके। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं। दलिया मिलता है वहाँ? तेज पत्ता मिलता है, सब कुछ मिलता है, मतलब खाने का आइटम है। अंडे भी मिलते हैं? अंडे मिलते हैं। ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं ये दीपांशु बिष्ट हैं और ये इसी गांव में रहते हैं। ये हमें मिल गए थे चलते चलते, तो ऐसे हमसे बातचीत हो गई थी। तो मिलते हैं जल्दी एक छोटी सी वीडियो। कस्टमर दोस्तों मेरे आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, और इनकी पूजा हो चुकी है मंदिर में। जो भी इनको काम करना था इनका काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से हल्द्वानी के लिए, और आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मुझे। मैं पहुंच चुका हूँ अपने रूम पे हल्द्वानी, और आज का ट्रिप कैसा रहा? आप लोगों ने मेरे साथ सफर करा, मैं आपको हल्द्वानी से खनशु पतलोट ले गया, धानाचूली बैंक मुक्तेश्वर वाले रेंज पे ले गया, और कैसे वहाँ के लोग हैं, कैसा जीवन यापन है, ये सारी चीज़ों से मैंने आपको रूबरू कराया। कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए आप मेरा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचे तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें सती ट्रेवल्स। बाय।